एमपी में क्यों मर रही गाय? पशु संवर्धन बोर्ड उपाध्यक्ष बोले, 20 रुपए में गाय का पेट नहीं भरता। 2 साल से ये राशि भी देरी से मिली। भोपाल के बैरसिया में गायों की मौत ने गौशालाओं के संरक्षण और संवर्धन के सरकार के तमाम दावों को खोखला साबित कर दिया है। गौशालाओं में चारा पानी और देखभाल के अभाव में आए दिन प्रदेश में किसी न किसी जिले में गाय दम तोड़ रही है। मध्य प्रदेश पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं गोपालन कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश वरानंद गिरी ने कहा कि 20 रुपए में गाय का पेट नहीं भरता। कोरोना के चलते ये राशि भी पिछले 2 सालों से गौशालाओं को मिलने में देरी हुई है। हमने बैरसिया में गायों की मौत की रिपोर्ट 15 दिन में विभाग से मांगी है। ये घटना कुप्रबंधन के कारण होना प्रतीत होती है। लंबे समय से लापरवाही का ये परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में गायें मर गई हैं। पशु चिकित्सक क्या कर रहे थे, इसकी जांच होगी। गौशाला संचालक के एनजीओ का रजिस्ट्रेशन 2003 में हुआ था, तब से अब तक कितनी शिकायतें हुई, इसकी पूरी जांच कराई जा रही है। अखिलेश्वरानंद ने बताया कि मंगलवार को आदेश दिए हैं कि प्रदेश की गौशाला संचालकों को चारे की राशि हर हाल में 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराई जाए। 20 रुपया हम ऐसा मानते हैं कि एक गाय का पेट भरना बड़ा कठिन है, लेकिन यह भी विचार आना चाहिए कि ये गौशाला में जो गाय आ रही है वो गाय किन की हैं। जिन किसानों ने, जिन गोपालकों ने, जिन गौसेवकों ने अपनी गाय को दूध ना देने के कारण या कृषि के उपयोग में अब बैल नहीं आते हैं, यांत्रिकीकरण हो गया है, इसके कारण ये गौशालाओं में दे आते हैं जाकर। हमारा ऐसा मानना है कि सरकार ये सब करने के बाद भी प्रबंधन नहीं संभाल सकती, इसलिए प्रबंधन के लिए जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इसलिए एनजीओज के द्वारा, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा ये गौशाला संचालित की जानी चाहिए तो बेहतर ढंग से चलेंगी। और जन सहयोग चाहिए। जन सहयोग मतलब हमारे घरों में जो 1 रुपया एक रोटी निकलती थी, अब हमने इसको नवाचार में डाला है कि 10 रुपया निकालो एक रोटी के नाम पर। और 3,650 रुपये एक व्यक्ति साल में यदि गौशाला को देता है और 1 करोड़ लोग मध्य प्रदेश में इस प्रकार से गोग्रास के नाम पे सहयोग करेंगे तो 3,650 करोड़ रुपया हमारे पास आएगा। हमने पोर्टल का भी निर्माण किया है और उस पोर्टल की हमने अपील भी जारी। गौशालाओं के संचालन के लिए पूरी तरह सरकार पर निर्भर नहीं होना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आने की जरूरत है। यदि एक व्यक्ति एक गाय के लिए 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जन भागीदारी करता है तो साल में 3,650 रुपए होता है। इसके लिए गौ संवर्धन बोर्ड ने ऑनलाइन दान की व्यवस्था की है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।